हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देखो बॉलीवुड। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलीवुड में एक सबसे बड़ी मूवी जो कि सूर्यवंशी है, जिस मूवी की रिलीज़ डेट फाइनल हो चुकी है, यानी कि 30 अप्रैल जो कि रिलीज़ होने वाली है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूँ इस मूवी के डिले होने के भी चांसेस हैं, यानी कि पोस्टपोन भी हो सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस बढ़ चुका है इंडिया में। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है, यानी कि बहुत ज़्यादा मरीज़ सामने आ रहे हैं इन्हीं दिनों में, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी सूरत में ये मूवी डिले हो सकती है। अगर ये मूवी डिले भी हुई तो सिनेमा में ही आएगी, ऑनलाइन रिलीज़ नहीं होगी, ये तो बात कन्फर्म है। अगर ये मूवी सिनेमा में आती है तो ये फर्स्ट डे पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है? तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, अगर इस मूवी को ऑक्यूपेंसी मिली 100%, यानी कि ये मूवी को फुल थिएटर मिला, यानी कि पूरा जितनी भी थिएटर में कुर्सियां हैं सभी पर आप अफराद बिठा सकते हैं, यानी 100% ऑक्यूपेंसी, तो फ्रेंड ये मूवी 35 करोड़ प्लस का कलेक्शन करेगी 100%। और अगर इस मूवी को कम ऑक्यूपेंसी मिली, यानी कि 75% या 50% ऑक्यूपेंसी मिली, तो ये मूवी तकरीबन 25 करोड़ प्लस का कलेक्शन ज़रूर करेगी, और कोई भी इस मूवी के इस कलेक्शन को रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सभी को पता है इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं रोहित शेट्टी, और इनके बारे में मशहूर है कि इनकी मूवीज़ में कार वगैरह तो आसानी से उड़ती हैं, और आगे एक्शन के किंग हैं, यानी कि अक्षय कुमार, जो कि बहुत ही लंबे अरसे के बाद एक्शन में नज़र आने वाले हैं। और फ्रेंड, उसके साथ साथ रणवीर सिंह और अजय देवगन और कतरीना मैम का भी इस मूवी में आप सभी को पता है रोल है, कतरीना तो अक्षय सर के सामने है। तो फ्रेंड, इसी तरह आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सकें।